पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देरी से आई मानसून एक्सप्रेस ने बीते दो दिनों में दिल्ली एनसीआर में तेजी पकड़ी। पिछले सप्ताह में मानसून ने खेत दस्तक देने के बाद बारिश ने जुलाई में औसत का रिकॉर्ड पार कर लिया और अब तक 220.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में ही राजधानी में 38.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पिछले 11 साल में एक दिन का रिकॉर्ड है। बारिश का दौर जारी रहेगा और दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत रहेगी। मौसम विभाग ने सोमवार के बाद लगातार दूसरे दिन भी तेज बारिश की संभावना जताई थी। सुबह से ही दिल्ली को बादलों ने घेर लिया और तेज बारिश शुरू हो गई और इससे सुबह दफ्तर के लिए निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद मौसम बदला और तेज धूप निकलने से उमस और गर्मी बढ़ गई। शाम 5:30 बजे तक दिल्ली में 6.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड 79.5 मिलीमीटर नसफगढ़ में रहा। लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से पिछले 11 साल में नया रिकॉर्ड बना। तापमान में कमी आने की वजह से नया रिकॉर्ड 31.9 डिग्री सेल्सियस का बना और इससे पहले वर्ष 2011 में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं 2017 में 25.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। इससे पहले और बाद में 0 से लेकर 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।